14 राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की मतगणना भी जारी है। YSRCP आंध्र प्रदेश में एक सीट पर आगे है, भाजपा असम में 3 सीटों पर और UPPL 2 पर आगे है। बिहार में JDU और RJD एक एक सीट पर आगे हैं और INLD हरियाणा में एक सीट पर आगे चल रही है। और इस तरीके से जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं, जो जीत की तरफ पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, उसका आंकड़ा बहुत कुछ कह रहा है। चौदह राज्यों में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है। वहीं सभी 29 विधानसभा सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिनमें से अभी तक 14 सीटों पर NDA, 7 सीटों पर कांग्रेस आगे है, जबकि 8 सीटों पर अन्य पार्टियां आगे चल रही हैं। लोकसभा की 3 में से एक एक सीट पर BJP, कांग्रेस और शिवसेना आगे है। दरअसल देश में 30 अक्टूबर को 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए काउंटिंग जोरों पर है। 3 लोकसभा सीटों में दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट है। तो वहीं विधानसभा की बात करें तो असम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, मेघालय और हिमाचल की 3-3 सीटें जो है, जिन पर पार्टियां अपना अपना दाव लगा रही हैं। उधर राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2-2 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट के नतीजे जल्द आने वाले हैं। चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस की अनुमति हालांकि नहीं दी गई है चुनाव आयोग द्वारा। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस की अनुमति नहीं होगी। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से चुनाव का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विजेता उम्मीदवार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के साथ 2 से अधिक लोग नहीं आएंगे। और इस बीच ये अनुमति जो है 2 से ज्यादा लोगों को नहीं दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी तो पूरे देश में जोश है उपचुनाव को लेकर। समीकरण कहीं बनेंगे कहीं बिगड़ेंगे, स्थिति क्या बनेगी ये देखना दिलचस्प है। महत्वपूर्ण राज्यों में महत्वपूर्ण सीटों पर इस बीच आज मतगणना का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अंकित पचौरी हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले ईशा आपके पास आएंगे। अगर उपचुनाव का जिक्र करें तो तमाम पार्टियों ने खूब दम भरा, खूब जोर भरा। हरियाणा का जिक्र करें तो अभी INLD को लेकर के लिए जानकारी प्राप्त हो रही है कि वो आगे बढ़ रही है। क्या स्थिति बन रही है परिणामों की? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऐलनाबाद सीट पर सभी की नज़र टिकी हुई थी और यहाँ से इनेलो के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला चुनाव जीत गए हैं। करीब 6800 वोटों से उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की है और कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर शहरी क्षेत्रों में मिल रही थी। जिस तरीके से पहले देखा कि ग्रामीण इलाकों में सबसे ऊपर चल रहे थे ऐलनाबाद में चौधरी अभय सिंह चौटाला, लेकिन जैसे जैसे 8वें 9वें 10वें 11वें राउंड की यहाँ पर काउंटिंग शुरू हुई, जो पूरा शहरी इलाका है वहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़त कम होती हुई नजर आई। लेकिन 16 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है। करीब करीब 7000 वोट से चौधरी अभय सिंह चौटाला इनेलो से चुनाव जीत चुके हैं। इनेलो के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर इनेलो से वो चुनाव मैदान में उतरे थे और उपचुनाव जो सीट है ये यहाँ की इनेलो जीत गई है और परंपरागत सीट मानी जाती है इनेलो की ऐलनाबाद। 2010 में भी उपचुनाव चौधरी अभय सिंह चौटाला यहाँ से जीते थे और 2014 और 2019 की बात करें उस दौरान भी उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की थी। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर उन्हें BJP के उम्मीदवार गोविंद कांडा की तरफ से दिया गया और यहाँ पर अभय चौटाला की तरफ से भी अपना बयान दिया गया, क्योंकि देखिए 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें तकरीबन 11000 सीटों से यहाँ पर 11000 वोटों से जीते थे अभय सिंह चौटाला ऐलनाबाद चुनाव। लेकिन यहाँ पर मार्जिन थोड़ा कम है और अभय सिंह चौटाला ने यह आरोप लगाया है कि वोट की खरीदारी हुई है और वोट यहाँ पर खरीदे गए हैं BJP की तरफ से। ये आरोप अभय सिंह चौटाला जो चुनाव जीत गए हैं यहाँ से उपचुनाव उनकी तरफ से BJP पर लगाए गए हैं। और ये भी उन्होंने मांग की है कि सीटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए कि आप जानकारी दे रहे हैं कि वो जीत गए अपनी सीट पर, क्या अब भी इन बातों के साथ वो बने हुए हैं, अब भी यही आरोप लगा रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए आरोप वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मार्जिन अगर देखिए तो काफी कम है जिस मार्जिन से अभय सिंह चौटाला जीत रहे हैं, और पहले ही इनकी तरफ से ये दावा किया गया था 30,000 या 40,000 वोट का ये मार्जिन रहेगा और इस अंतराल से वो जीत दर्ज करेंगे, लेकिन मार्जिन बहुत कम रह गया है। और जिस तरीके से पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि हरियाणा मुख्य केंद्र है, कृषि संबंधी कानूनों को लेकर जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, 95% किसान रहते हैं सिरसा में और एलनाबाद भी एक कहीं ना कहीं किसानी एरिया है, तो ऐसे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटों से जीत दर्ज होनी चाहिए थी वोटों से अभय सिंह चौटाला की, लेकिन उतने वोटों से उनकी जीत दर्ज नहीं हुई। यही वजह है कि अब वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें पवन बेनीवाल की, उनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा क्योंकि कांग्रेस का जग जाहिर है कि हर राज्य में कहीं ना कहीं सीट पर बीजेपी और इनेलो के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। शाह, मैं वापस लौटूंगी आपके पास, इस बीच रुख मध्य प्रदेश का भी करेंगे। मध्य प्रदेश की खंडवा सीट पर इस बीच उपचुनाव हुए 30 तारीख को, उसको लेकर क्या रुझान आ रहे हैं अंकित, जानकारी आपके पास से? सांची, मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव है बड़े दिलचस्प यहां पर नजर आ रहे हैं। आज मतगणना का दिन है, साथ ही अभी खबर निकल के सामने आई है जोबट विधानसभा सीट से जो बीजेपी के कैंडिडेट सुलोचना यादव, उन्होंने लगभग 6,000 वोटों से यहाँ पर जीत हासिल कर ली, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में बड़ी खुशी की लहर यहाँ पर दिखाई दे रही। भाई हम राजधानी भोपाल की बात करें तो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शर्मा के साथ जो तमाम नेता मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर बिक्री के साथ एक फोटो क्लिक करवाया है, वो फोटो अभी वायरल हो रहा है। तो लगातार जो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इन सीटों पर बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही। वहीं कांग्रेस सिर्फ एक सीट है जो रेगांव है वहां पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। खंडवा लोकसभा सीट की बात करें तो वहां से भी बीजेपी लगभग 50,000 वोटों से आगे चल रही, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी का पलड़ा जो है भारी मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। 3 सीटें बीजेपी के खाते में यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए इस बीच बिहार का रुख भी कर लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक रंजन जुड़े हुए हैं बिहार से, पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, अगर बिहार का जिक्र करते हैं तो इस बार लालू प्रसाद यादव भी उपचुनावों में प्रचार करते हुए नजर आए थे। बताया जा रहा है आरजेडी और जेडीयू के बीच में टक्कर जोरदार नजर आई और अभी एक एक सीट पर आ गए हैं, क्या कह रहे हैं रुझान? जी बिल्कुल, अभी एक सीट की बात कर रही है कुशेश्वर स्थान को लेकर, तो कुशेश्वर स्थान पे जेडीयू की जीत हो गई है। जेडीयू के ऊपर जो पिछले बार जो प्रत्याशी कही जाते जेडीयू के ही प्रत्याशी थे, जो उनके बेटे को अमन भूषण हजारी को प्रत्याशी बनाया गया। अमन भूषण हजारी 16,968 वोटों से जीत गए हैं। ऐसे में वहां से जो आरजेडी के प्रत्याशी थे गणेश भारती की हार हुई है। वो सीट एक हॉट सीट बना हुआ था, उस सीट की बात की जाए तो सीट बना हुआ था क्योंकि कांग्रेस जाबेदार। चलिए वापस आपके पास पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। एलानाबाद में अभय चौटाला करीब 6,800 वोट से जीत चुके हैं, जैसे कि हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर भी थोड़ी देर पहले जानकारी हम तक पहुंचा रही थी। खबर पक्की होती हुई अभय चौटाला एलानाबाद से उपचुनाव जीत चुके हैं, हमारी सहयोगी के जरिए से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर ने जानकारी हम तक पहुंचाई थी, एनएलओ के नेता अभय चौटाला एलानाबाद उपचुनाव को जीत चुके हैं, लेकिन जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि आरोप अभय चौटाला की तरफ से लगाए गए हैं, मार्जिन जो है वो 6,800 वोट का बताया जा रहा है। 6,800 वोट से वो जीत चुके हैं अभय चौटाला एलानाबाद से, बड़ी जीत दर्ज करते हुए 6,800 वोट के मार्जिन से अभय चौटाला ने अपने नाम ये जीत कर लिए। इन एलओ को बढ़त शुरुआती दौर से मिल रही थी और इन सब अभय चौटाला ने अपने लिए ये जीत पक्की कर ली है। आपके पास वापस लौटूंगी ईशा, भी अभी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई थी अभय चौटाला जीत दर्ज कर चुके हैं अपने लिए और इस बीच 6,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से उन्होंने ये जीत पक्की की, लेकिन इससे भी संतुष्ट नहीं है, आरोप लगा रहे हैं ईशा। जी बिल्कुल, देखिए संतुष्टि इसलिए भी नहीं है क्योंकि कृषि संबंधी कानूनों के विरोध में जनवरी में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और इनेलो की एकमात्र सीट 2019 में जीती थी वो, और विधायक थे चौधरी अभय सिंह चौटाला, तो ऐसे में उन्हें उम्मीद थी जिस तरीके से हरियाणा एक मुख्य केंद्र है किसान आंदोलन का, तो ऐसे में जिस तरीके से सिरसा की अगर बात करें पूरा किसानी इलाका है, पूरे बीजेपी के नेताओं को यहाँ तक कि जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत सिंह चौटाला
सिरसा में उनके कहीं ना कहीं उन्हें आने नहीं दिया जाता था, लगातार किसान उनका विरोध करते थे, और जिस तरीके से हरियाणा में एक तरीके का तरह का माहौल बन गया था बीजेपी और जेजेपी नेताओं के खिलाफ, तो ऐसा माना जा रहा था कि कड़ी टक्कर एलाहाबाद उपचुनाव में मिलेगी जरूर, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन वो मार्जिन इतना नहीं रहा जितनी उम्मीद यहाँ पर अभय सिंह चौटाला भी बनाए हुए थे, मार्जिन बहुत कम है। यहाँ पर गोविंद कांडा ने उन्हें जबरदस्त देखिए यहाँ पर टक्कर दी है, हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए गोविंद कांडा, और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि उनकी पकड़ सिरसा में अच्छी है, क्योंकि गोपाल कांडा भी वहीं से ताल्लुक रखते हैं, उनके भाई और विधायक भी हैं, लेकिन जिस तरीके की गोपाल कांडा की छवि है वैसे में लगता नहीं था कि गोविंद कांडा को इतनी वोट मिल पाएगी, तो ऐसे में ये आरोप लगा रहे हैं अभय सिंह चौटाला कि यहाँ पर वोटों की खरीदारी कहीं ना कहीं बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा ने की है। एक बात तो ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि अभय चौटाला और अभय चौटाला के अलावा अगर यहाँ पर बीजेपी का जिक्र करें तो एक कांटे की टक्कर रह सकती है, वो देखने को भी मिली, और जो मार्जिन अब निकल कर सामने आया उसमें अपने आप को तो बचा ही लिया, अपने लिए सीट तो पक्की कर ही लिया इनेलो ने, आगे इसका किस तरीके से फायदा इनेलो को होगा इलाहाबाद के चुनाव को जीतने के बाद? ईशा जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से भले ही मार्जिन कम हो लेकिन एक तस्वीर साफ हो गई है कि किसान अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रहा है, यही वजह है कि एक बार फिर से चौधरी अभय सिंह चौटाला यहाँ से अपनी सीट ले चुके हैं और जीत गए हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी को कहीं ना कहीं यहाँ हार का सामना करना पड़ा है, और ऐसा पहले भी अंदेशा लगाया जा रहा था जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा था कि कहीं ना कहीं इनेलो की ये सीट पक्की है और परागत सीट मानी जाती है इनेलो की कहीं ना कहीं जो एलाहाबाद सीट है, लेकिन यहाँ पर टक्कर बीजेपी ने दी, लेकिन यहाँ पर मुश्किलें जो खड़ी हुई है वो कांग्रेस उम्मीदवार के लिए है, जिस तरीके से मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि हर राज्य में देखिए कांग्रेस की जो स्थिति है, जहाँ मौजूदा सरकार भी है कांग्रेस की लेकिन गुटबाजी के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस मात खाती हुई नजर आती है, इसके बाद अंदाजा यही कि कहीं हाशिए पे ना पहुंच जाए जो स्थिति बन रही है, क्योंकि वोट्स नहीं मिले हैं, ये कड़वा सच है कांग्रेस के लिए। चलिए मैं बिहार का रुख करूंगी, विवेक रंजन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, लालू प्रसाद यादव ने खूब प्रचार किया था इस बार और जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, आप भी बता रहे हैं तेजस्वी यादव का तेज इस समय देखने को मिल रहा है कुशवेश्वर स्थान में, क्या स्थिति बन रही है विवेक? जी, कुशेश्वर स्थान की बात की जाए तो कुशेश्वर स्थान पे आज तेजस्वी यादव कल शाम ही से वहां पे डेरा जमाए हुए थे, लेकिन आरजेडी को वहां निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां से जेडीयू का जो प्रत्याशी थे अमन भूषण हजारी की जीत वहां हो गई है, जीत पक्की हो गई है। बता दें कि उस सीट एक हॉट सीट बना हुआ था कि कांग्रेस के जो भी थे, कांग्रेस के भी लोग कह रहे थे वहां पे परंपरागत मेरी सीट है, जिस तरीके से आपने देखा आरजेडी से अलग होकर कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी दोनों जगह उतारा था, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, लेकिन वहां जो बात कर ली जाए तो वही पुराने जो प्रत्याशी थे जेडीयू के बेटे ही अमन भूषण हजारी इस बार बाजी मारे वहां से। तारापुर सीट के लेकर बात की जाए तो तारापुर अभी भी तारापुर सीट के संशय बरकरार है, तारापुर के अभी 17वीं राउंड की राउंड हुआ है, ऐसे में बात कर लीजिए 29 राउंड के वहां पे है, 29 राउंड तक हो गए, ऐसे में लेकर वो सीट को लेकर जो अभी तेजस्वी यादव उनके राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था कि कहीं ना 2020 वाले बात को दोहराया जाए, जिस तरीके से 2020 का विधानसभा का जब चुनाव परिणाम आया था तो आपने देखा था कि कितने समय लेट हुआ था, उसी परिणाम को दोहराया ना जाए, इसको लेकर उन्होंने निर्वाचन आयोग पर भी सवाल खड़ा किया था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उनको साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी प्रकार का कोई ये नहीं है संशय, सब धांधली नहीं है, किसी पर सब शांतिपूर्वक हो रही है, सब शांतिपूर्वक होगा, ऐसे में लेकर जो तारा कुशेश्वर स्थान की बात, कुशेश्वर स्थान का जिक्र हम कर रहे हैं, तारापुर सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, हमने ये देखा कि इस बार आरजेडी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और उसी परिणाम स्वरूप में हम देख रहे हैं कि दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, अगर हार जाती है आरजेडी और कांग्रेस कुशवेश्वर स्थान पर आप बता रहे हार ही चुके हैं लगभग, दूसरी सीट पर भी अगर हार जाते तो इसका एक बड़ा कारण यही माना जाना चाहिए कि दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा है। विवेक जी बिल्कुल, जो क्योंकि जो बात कर लीजिए कुशेश्वर स्थान को लेकर तो अमन भूषण हजारी का जीत तो पक्की है, एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है, और जो कर ली जाए कुशेश्वर स्थान पे कांग्रेस और आरजेडी भी लड़ी थी, जिस तरीके से देखा था तेज प्रताप यादव ने भी और कांग्रेस को समर्थन देने को लेकर कहा था कि एक जगह सीट पे हम कुशेश्वर स्थान सीट पे जाके कांग्रेस का प्रचार प्रसार करेंगे, तारापुर में आरजेडी के जो प्रत्याशी
उनके जाके प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन उनसे भी जोड़ा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं जो आरजेडी का बीच अब शाम तक लगभग परिणाम साफ होते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी अंकित पचौरी बता रहे थे। दूसरी तरफ ईशा ठाकुर ने भी बड़ी जानकारी दी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इलाहाबाद में इनेलो ने अपने लिए सीट पक्की कर ली। लेकिन इन सब के बीच में देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम परिणाम किस पार्टी के पक्ष में कैसे आएंगे। देश भर में बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।